नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण औषधि का दर्शन कराने वाली हूँ और साथ ही इसके आयुर्वेदिक लाभ की जानकारी भी देने वाली हूँ। आज के वनस्पति का हिंदी नाम है नयन फटकी। दोस्तों, सबसे पहले इसके अलग अलग नामों की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसका संस्कृत नाम करंजफोटा है, मराठी में कानफोड़ा और कपाल फोड़ी के नाम से जानते हैं। इसका बंगाली नाम कानफोड़ी, कानछिड़ा और ज्योतिष मदी है। इसका हिंदी नाम नयन फटकी और गुजराती नाम काबटोरियो है। ऐसे ही दोस्तों, इसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नयन फटकी की एक बेल होती है जो वर्षा ऋतु में सर्वत्र उत्पन्न होती है। यह लगभग 10 से 12 फीट लंबी होती है। इसको सुंदर तीन तीन चौड़े में पत्र लगते हैं। इसके पत्र बिल्कुल बकायन के पत्र के समान होते हैं। यह पत्र सुंदर आकार वाले होते हैं। इसको सफेद रंग के पुष्प लगते हैं और इसको जो फल लगते हैं यह गुब्बारे के समान लगते हैं। इसके बीजों पर एक प्रकार का पतला सा आवरण होता है जो एक गुब्बारे के समान लगता है। इसमें जो बीज होते हैं यह काले रंग के गुंजा के समान लगते हैं और यह बीज कौवे की आँख के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए गुजराती में इसे कागडोल कहते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार यह तिक्त, कटु और शीतल होता है। यह विष दोष का नाश करता है और यह प्रवेह दोष निवारक होता है। इसकी जड़ दीपन, रेचक और वामक होती है। यह मूत्रल और शोधक होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभों के बारे में। यह औषधि कुष्ठ रोग दूर करती है। इसके बीजों की माला बनाकर गले में धारण करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा इसके बीजों और इसके पत्तों को कूटकर लेप बनाकर कुष्ठ रोग के स्थान पर लगाना चाहिए। इसके जड़ को कूटकर इसका रस निकालकर देने से ज्वर में आराम मिलता है। इसके अलावा इसकी जड़ को पानी में पकाकर इसका काढ़ा बनाकर ठीक से सेवन आप कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस सीने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसके पत्तों का रस निकालकर अरंडी के तेल के साथ मिलाकर पीने से आम वात और कटिशूल मिट जाता है। इसके पंचांग को लेकर पीस कर लेप बनाकर गर्म कर लगाने से संधिवात में लाभ होता है। दोस्तों, इसकी बेल को उखाड़ कर स्वच्छ पानी से धोकर दूध में पीस कर सूजन पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन फोड़े फुंसी पर इसे लगाने से यह नरम हो जाते हैं। फेफड़ों के रोग में इसके पंचांग का रस निकाल कर पीना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बीजों का सेवन करने से संधिवात और ज्वर में लाभ होता है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से आमवाद मिटता है। इसके अलावा इसके पत्तों का साग बनाकर भी खाया जा सकता है। दोस्तों, इसके पंचांग को काढ़ा बनाकर पीने से बगंदर में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा इसका स्वर संधिवात में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यह वनस्पति बहुत गुणकारी और मूल्यवान होती है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका रस मासिक धर्म में रक्तस्राव बढ़ाता है, इसीलिए इसका सेवन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं कराना चाहिए। किसी जानकार वैद्य की सलाह के अनुसार इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।